जय माता दी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुहासे बार बार निकलते रहते हैं या निकलते ही रहते हैं, कभी भी मुहासे पीछा छोड़ते ही नहीं हैं। यानी कि मुहासे निकलना बंद होते ही नहीं हैं। बहुत तरह की क्रीम लगा ली, डॉक्टर को दिखा लिया, बहुत सारी चीज़ें लगा ली, लेकिन उसके बाद भी मुहासे निकलना बंद नहीं होते। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपको मुहासों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाली हूँ, जिनसे आपके मुहासे ख़त्म भी होंगे और दोबारा वापस भी जल्दी नहीं आएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने खान पान पर भी संयम रखना होगा, थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा और थोड़ी सी अपने लिए आपको मेहनत और केयर करनी होगी। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या अपने फेस पर लगाना है, क्या खाना क्या नहीं खाना है, सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे मेन चीज़, फेस पर साबुन लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि जो साबुन का कॉस्टिक होता है वो हर तरीके से आपके फेस और स्किन के लिए हानिकारक होता है। दूसरी चीज़, अपने खाने में बहुत ज़्यादा ऑयली मिर्च मसाले तला भुना, इनसे परहेज रखिए। ऐसा नहीं कि आपको कभी नहीं खाना है, क्योंकि अगर हम हमेशा एक ही स्वाद में जीते रहते हैं तो उबाऊपन हो जाता है। इसलिए अपना रूटीन बना लीजिए, हफ्ते में एक दिन आपको चटपटा तला भुना बनाना है, या आपको महीने में दो बार या तीन बार बनाना है, इस तरीके से अपना रूटीन बना लीजिए। लेकिन कुछ लोग जैसे रोज़ बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाने के शौकीन होते हैं, तो वो चीज़ें भी मुहासे, झाइयाँ और बहुत तरह के दाग धब्बों को जन्म देती हैं फेस के ऊपर, तो इनसे आपको परहेज रखना है। आपको हरी सब्जियाँ खूब खानी है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, इनको खूब खाना है, जितना आप खा सकते हैं। और ये हमें इसलिए खाना है क्योंकि इनसे हमारे शरीर में नमी बनी रहती है, पानी की कमी पूरी होती है। क्योंकि जब पानी की कमी पूरी रहेगी तो स्किन में एक नेचुरल नमी रहती है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होने पाती हैं। उसके अलावा आपको पानी भी भरपूर पीना है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आपको रोज़ ज़रूर पीना है। पहली बात तो गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में ज़्यादातर लोगों को प्यास लगती है, लेकिन कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम ऐसी होती है, उनको कहते सुना जाता है कि उनको प्यास लगती ही नहीं है। अगर ज़बरदस्ती पानी पीते हैं तो उनको मछली महसूस होती है या उन्हें पानी अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा सा कुछ खाते रहना है। वैसे भी बहुत देर तक, डाइटिशियन का कहना भी यही होता है कि बहुत देर तक भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। और आपको पानी पीना है तो हर 2-3 घंटे में आप कोई थोड़ी सी मीठी चीज़ खा सकते हैं, या आप कोई चटपटी सी नमकीन आपके घर में रखी हो वो खा सकते हैं, या घर में आप बेसन के सेव बना कर रख लीजिए। मतलब कुल मिलाकर आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कुछ अपने मुँह में खाना है, ताकि आपको पानी की ज़रूरत महसूस हो और उसी समय आप 1 से 1.5 गिलास पानी पी सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि आपको अपने फेस के ऊपर लगाना क्या है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, लेना है एक आपको जायफल, उस जायफल के आपको करने हैं 5 या 6 टुकड़े। और जो ये जायफल का आपको प्रयोग मैं बता रही हूँ, इससे अगर आपके फेस के ऊपर झाइयाँ हैं तो आपकी झाइयाँ भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। तो उस जायफल को आपको, जो 5-6 टुकड़े आपने कर लिए उनमें से एक टुकड़ा आपको लेना है और उसको किसी पत्थर के ऊपर कच्चे दूध के साथ में घिस लेना है। अब बहुत लोग कहते हैं कद्दूकस कर लेंगे तो बारीक हो जाएगा, उसको फोड़ लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पूरा फायदा चाहिए तो आपको किसी पत्थर के ऊपर कच्चे दूध के साथ उस जायफल को घिसना है, उसको चंदन की तरह कर लेना है और उसके बाद उसको आपको अपने पूरे फेस पे लगा देना है। क्योंकि मुहासे जब भी निकलते हैं, किसी किसी को माथे में निकल आते हैं, किसी को गाल वाले एरिया में निकलते हैं, किसी को ठुड्डी पे होते हैं, किसी को नाक पे होते हैं, तो आपको कुछ नहीं छोड़ना, आपको पूरे फेस के ऊपर ये लगा देना है और उसके 20 मिनट के बाद में सादे पानी से अपने चेहरे को आपको धो के साफ कर लेना है। अपने फेस के ऊपर अनावश्यक मेकअप मत पोतिए, क्योंकि बिना मतलब के कॉस्मेटिक अगर आपने फेस पे पोतेंगे तो भी ये कील मुहासे निकलने बंद नहीं होंगे। जब बहुत ज़रूरी हो तभी मेकअप कीजिए, वरना रोज़ आपने हल्का सा एक मॉइस्चराइज़र कोई लगा लिया, या हल्का सा आप नारियल तेल ही अपने फेस पर लगा लेते हैं, बिंदी छोटी सी लगा लीजिए अगर आप शादीशुदा हैं, आपका फेस सबसे अच्छा लगता है। क्योंकि असली खूबसूरती आपके अंदर से आती है, आपका मन खुश होगा, आपके फेस पे चमक होगी,
आप अंदर से खुश होंगे, अच्छा सोचते हैं, आपके विचार अच्छे हैं, तो आपका चेहरा हमेशा चमकता रहता है, इसलिए फालतू मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आप करके देखिए, आपको एक हफ्ते में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और रेगुलर अगर आपने इसको किया तो 30 से 40 दिन में आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पुरानी आपकी दिक्कत हो चुकी है तो आपको 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।